आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द आर्ट ऑफ वॉर सेपियंस को मैं थोड़ा सा भी होल्ड पे डाल रहा हूं। ये तीसरी किताब है जो मैं रिव्यू करूंगा। इसके कमेंट्स में भरमार थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने कहा हाँ यार, मेरी टीम ने मुझे फॉरवर्ड किया, ये किताब बेस्ट सेलर रही है। और आपको मैं अपने बारे में बताता हूं, ये किताब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट किताब, वन ऑफ द फर्स्ट बुक दैट आई हैव रीड। मैंने किताब बहुत पहले पढ़ी हुई है और ये 1963 में 1963 में इसको रिलीज किया गया था और अभी तक ये बिकती ही है, बहुत बिक रही है। कुछ किताबें ऐसी हैं ना जो मतलब जिसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, वो हमेशा बिकेगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उनमें से एक है। जोसेफ मर्फी जो कि आयरिश ऑर्डेन्ड मतलब रिलीजियस मिनिस्टर थे, खुद को इनको कैंसर था, आपको पता है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने ये बताते हैं एफर्मेशंस, प्रेयर्स, फेथ, इन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज करके उस कैंसर को खत्म कर दिया। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको मनी चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको भयंकर अमीर बनना है, आपको अपना इतिहास में नाम लिखना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फील्ड में बेस्ट करना है, आप कैसे कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का दुख का मेन कारण क्या है। कहते हैं ना, जिस इंसान के ऊपर ऊपर वाले का हाथ होता है ना, वो अपने आप आगे जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ऊपर वाला कह लो, सब कॉन्शियस माइंड कह लो, डिवाइन एनर्जी कह लो, प्रोसेस कह लो, फोर्स कह लो, साइंस कह लो, कुछ भी कह लो। यहां पे जोसेफ, मैं क्या बताऊंगा, जोसेफ मर्फी ने बताया है, पीएचडी है ये, प्रोफेसर रहे हैं। मैंने बताया इतनी इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन इसी पे ही, हीलिंग्स पे, सबकॉन्शियसनेस पे बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, अवचेतन मन। आपको पता ही है कि मेरे किताबों के जो रिव्यू हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि मैं पूरी किताब का, देखिए मैं नोट्स फिर से बना के लाया हूं कि कुछ भूल ना जाऊं। मैं वो शॉर्ट में रिव्यू करना पसंद नहीं करता, मैं पूरी किताब का एक प्रॉपर रिव्यू देता हूं। बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई है, बताई गई है इसमें, जो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट, इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद, शिरडी के साईं बाबा, सबने सम कॉन्शियस माइंड का यूज किया है, आपको पता है। अरे तुम्हारे भगवान तुम ही हो, तुम ही भगवान हो, तुमको पता है बात कि नहीं। इस किताब में बहुत अच्छे से बताया, तो मैं इस किताब का रिव्यू करने वाला हूं। प्लस ये किताब और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की, ये दो किताब जो है ये मेरी फर्स्ट टू बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंस्टा पे हमारा ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है, इस पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड होते रहते हैं। और ये यूपीएससी के शानदार 1, 2, 3 साल के कोर्सेज हैं, इसको मैंने खुद ही बनाया है, एनसीईआरटीज है, हमने बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए बनाया। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप करिए। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो यहां पे आपको पीडीएफ एंड ऑल मिल जाएंगी। सब कॉन्शियस स्पेलिंग सही है ना, अरे यार मैं हमेशा स्पेलिंग गलत लिख देता हूं। ठीक है, चलो इसकी पावर कितनी ज्यादा है आपको नहीं पता है। सबकॉन्शियसली आप सब कुछ कर सकते हैं, ये एक बागीचे की तरह है। अब चेतन मन, हमारे दो मन है, एक तो आप जाग रहे हो, कॉन्शियसनेस। देखिए मैं किताब के हिसाब से चलूंगा और अपनी भी बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा, जो 50 और इतनी सारी किताबें पढ़ी उसको भी ऐड करता जाऊंगा मैं, और अपना भी आपको बताता जाऊंगा। तो इसमें समझिए कि आपका एक चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, आपका बिग मी, और एक स्मॉल मी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन कॉन्शियस, अवचेतन मन सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड एक चौकीदार की तरह है, आप उसके पास जाओगे, जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप उनके पास जाओगे, जब कॉन्शियस माइंड के पास जाओगे तो वो एक चौकीदार की तरह आपको अपने मन में अलाउ करेगा। ठीक है, अब उसने जो अलाउ कर दिया है, ठीक है, वही समझिए इंप्लीमेंट होगा। कहने का मतलब यह है कि अपने माइंड में अच्छी चीजें डालो, ये एक बागीचे की तरह है, आपने एक बार जो इसमें बो दिया आप वैसा ही फल पाओगे, आप जो बोगे आपको वही मिलने वाला है। और यह सब कंट्रोल करता है आपकी पूरी बॉडी को, आपकी अवचेतन मन सबकॉन्शियसनेस, चौकीदार अलाउ करता है, सब जाता है इसके पास। यह बड़ा भोला होता है, मर्फी जी बताते हैं कि बहुत ही सीधा साधा है, इनोसेंट है,
इसको आप ट्रेनिंग वेनिंग नहीं दे सकते, इसको आप जो बोलोगे वो मान लेगा, सीधा है, बच्चे की तरह होता ही है। और जो मालूम ये जादू है, ये जादू है, जो कहोगे वो मिलेगा। अब वो अलग बात है कि मिलेगा कैसे। मैंने इससे पहले दो किताब का रिव्यू किया, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें भी आपने देखा होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ऑथर्स ने बताया है, एक झलक दी है। तो आप यह समझो कि ऑथर बता रहे हैं कि यह तुम्हारे ऊपर है, तुम इसमें क्या डाल रहे हो। इसमें विश्वास की भूमिका बहुत ज्यादा है। जैसे जीसस क्राइस्ट के पास जब बहुत सारे अंधे लोग आए, उन्होंने बोला हमारी आंखें ठीक कर दो, उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर उनकी आंखें ठीक हो गई, कैसे? विश्वास, प्रेयर्स, प्रेयर्स का सहारा लिया, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ। सबकॉन्शियस माइंड की भी अपनी एक चेतना, उसका भी एक ब्रेन है, वो एक्टिवेट हुआ। तो एक्चुअली में जो आपके लिए काम करता है, जो आपको सही करेगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो इसको आपको कैसे डील करना है, ऑथर बताते हैं, आप इसे कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, यू कैन डिमांड एनीथिंग, ये तो आपके पास है ना। आप इसे कुछ भी मान लो, और अगर स्ट्रॉन्गली मांगा है, लगातार मांग रहे हो, इस सोच को, इस चीज को अपने रियलिटी बना लिया है, तो ये आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये उसके ऊपर है। जैसे बहुत सारी स्टोरीज, बहुत बे इंतहा स्टोरीज बताई है इसमें। जैसे एक थी औरत, उन्होंने बोला कि आज मुझे वो बैग चाहिए, एक बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बैग देखा, 3 दिन से रिपीट कर रही थी, मुझे ये बैग मेरा है। अल्टीमेटली 3rd दिन शाम को इनको बैग ये गिफ्ट में मिल गया। आप जो भी चाहोगे वो आपके पास आएगा, याद रखो। बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि हमको बचपन से, देखिए याद रखिए कि बहुत खतरनाक है, मैं आपको अब ये चीज मैं थोड़ा अपने तरफ से ऐड कर रहा हूं। ऑथर ने बोला है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जो डालोगे वही आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो गया, और वही आपकी दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा। आप जैसा सोचोगे, अगर आप डरे हुए हो, कुछ चीजों का बिल्कुल यूज ना करें, शायद ये होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे इन्होंने बोला, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, अफर्मेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर अभी हम इसमें आएंगे, अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं बहुत डरा हुआ हूं, लगातार आप ये सारे वर्ड्स रिपीट कर रहे हो, जैसे पैसे की बात अगर बताइए कि आपको लगता है कि मेरे पास पैसा आएगा, अब आपने बोला, आप ये बोल रहे हो कि हो सकता है मेरे पास पैसा है, शायद हो सकता है, इसका मतलब यू आर कंफ्यूज। तो आप अपने सबकॉन्शियस मन को भी कंफ्यूज कर रहे हो, यानी कि आपके पास कभी भी वो चीज आएगी नहीं जो आप डिमांड कर रहे हो। उसके लिए आपको अथॉरिटी के साथ बोलना होता है, सिंपल है, सिंपल। यहां पे पहली चीज क्या है, पहली, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बस आपको कल्पना करनी हो, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक थॉट डालना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, रिपीट करना है कि मेरे साथ ये हो गया है। जैसे यूपीएससी करना है, मेरा यूपीएससी निकल गया, और बस उसके बाद जो खुशी है वो आप महसूस करिए, वो आप समझिए आप यूपीएससी निकाल चुके हो। ये दो प्रोसेस है, बस बस कल्पना, और उसके बाद आपको महसूस करने के रिजल्ट आपको मिल गया है, आपका सबकॉन्शियस मन जो है वह काम पे लग जाएगा। बताते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं, सोने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, 6 से 8 घंटा आपको सोना है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये अवचेतन मन जो है, ये आपके पाचन क्रिया हो गई, आपके दिल हो गया, हर एक चीज को ये कंट्रोल कर रहा है, आप समझ रहे हो। और जैसा बोलोगे ये आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। तो सबसे पहली बात है affirmations, affirmations बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। गहरी नींद का यहां पे बहुत ज्यादा महत्व बताया है। आप गहरी नींद में कुछ भी बोलते हो, गहरी नींद का मतलब, गहरी नींद में कोई अल्फा डेल्टा स्टेज की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गहरी नींद का मतलब यह नहीं है कि आप नींद में कोई नहीं बोल सकता। जैसे यहां पे जब ऑथर बताते हैं कि जब हिप्नोटाइज आप होते हो, ठीक है, जब आप सम्मोहित होते हो, आपके कॉन्शियस माइंड पर पूरा कब्जा होता है। अगर मैं उस समय जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो आपको बोल दे कि आप जो है, आपको बुखार आ गया, आपको बुखार आ जाएगा, वो जो बोलेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही करेगा, वही देगा। तो यहां पे यही बताते हैं कि भाई ये जो स्थिति होती है ना, इस स्थिति को ही आपको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करना है? थ्रू एफर्मेशंस। एफर्मेशंस कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। सोते समय, गहरी नींद का मतलब है आप सोते समय अगर कुछ अच्छा बोल रहे हो तो वो फिर एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे शुरू कर सकते हो, ठीक है, कि भगवान सबसे पहले थैंक यू, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, थैंक यू। यहां पे एक और स्टोरी बताते हैं ऑथर की, एक बार क्या हुआ था कि एक लड़के के पिता ने बोला कि अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो मैं तुमको कार दूंगा। तो ये ग्रेटिट्यूड है, तुरंत थैंक यू बोला,
तो ये इतना अच्छा वर्ड है, इतना प्यारा वर्ड है, तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आप उस गोल पे काम करोगे, एक्टिव होगा वो माइंड। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोला है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एफर्मेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन। याद रखिए, नेगेटिविटी को रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी को रिपीट करते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी, अब देखिए आप, मैंने क्या बताया, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सीधा साधा है, आप समझ रहे हो, ये बहुत ही सीधा साधा है। तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड अगर आप लगातार ये बोलोगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही होती जाती है। यूनिवर्स की एनर्जी, भाई देखो यहां पे बताया है ऑथर ने कि हम सब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, ठीक है, ये एक कॉमन है, कॉमन मतलब आप इसको परमात्मा कह लो, आप इसको डिवाइन पावर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इससे जुड़ा हुआ है और हम जो इसको बताएंगे वो बदले में हमको यही देगा। तो आपको ये इसको बताना है कि आपको चाहिए क्या, आपको पैसा चाहिए तो मिलेगा पैसा, बिल्कुल मिलेगा, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। ऑथर तो ये तक बताते हैं कि आप दूसरों की जिंदगी भी चेंज कर सकते हो, प्रार्थना, प्रार्थना जब आप करते हो तो ये भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें डाल रहे हो, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको भी सबकॉन्शियस माइंड में ये बोल रहे हो कि भगवान उसका अच्छा करे, है कि नहीं। तो आप, मैंने बताया ना कि देयर इज अ कनेक्शन, कनेक्शन किसी के लिए अच्छा मांग के भी आप उसका अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड, ओके। कभी कभी अक्सर आपने सोचा होगा कि यार मैंने इसके बारे में अभी सोचा था और इसका फोन आ गया, या कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे यहां पे ये बताते हैं, एक मिनट, यहां पे ये बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, है ना, एक बूढ़ी औरत थी, वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वो रोज अपने आप को यही बोलती थी कि, मतलब उसकी शादी आदि नहीं हुई थी, वो रोज अपने आप को ये बोलती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, एफर्मेशंस, मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत खुश लग रहा है। और आप यकीन मानिए अगले एक महीने में उसको एक बढ़िया पति मिल गया। कहने का मतलब यही है कि आप जो है, आप अपने ही पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, इन एफर्मेशन से, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप अपने आप को भी ताकतवर फील करा सकते हो और दूसरे इंसान को भी फील करा सकते हो, है ना। कभी कभी अक्सर आपने देखा होगा, जैसे शाहरुख खान ने बोला था मन्नत मेरा होगा, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, मन्नत मेरा होगा, उन्हीं का हुआ। बंगले को बोला था ना ये मैं खरीदूंगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था, वो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत काम करने पर लग जाता है। अब वो होगा कैसे, वो होगा कैसे, ये सब उस पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप कर लेगा, क्योंकि वही चीज आपकी रियलिटी बन गई, वही चीज आपकी रियलिटी बन गई ना। आपने बोला ये चीज कल मेरी हो जाएगी, बस दैट्स इट, या मैं देश का प्रधानमंत्री होऊंगा, लगातार आप रिपीट कर रहे हो, लगातार रिपीट करने से, लगातार इमेजिन करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाती है। आपको पता है ना कि भगवान बुद्ध या जितने भी महानुभाव थे, जितने भी जो संत आए थे, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही तो कंट्रोल किया, उसी के ही थ्रू उन्होंने कमाल कर दिया। रामानुजम बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि मार्क ट्वेन को, भाई ये बढ़िया बढ़िया पोएट्री देते कौन थे, सबकॉन्शियस माइंड। रामानुजम, ये तो किताब में नहीं लिखा लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, रामानुजम ने बोला है ना कि मुझे सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंड मुझे, मतलब मेरे सपने में नामागिरी भगवान आता है, मुझे इक्वेशंस देते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है ये कि इसका सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन इसके पास है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, बस यही चीज है कि आप क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछोगे। कई बार ऑथर ने ये भी बोला कि सोने से पहले जो भी प्रॉब्लम है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, दो तीन दिन में अपने आप आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, ऐसा है। सो एफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट रिपीट नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को रिपीट कर करके आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। यहां पे लोग डर जाते हैं, लोगों, क्योंकि देखिए बचपन हमारा ऐसा है ना कि हमको बचपन से ही थोड़ा डराया धमकाया जाता है। यहां पे उन लोगों से बिल्कुल बचने की सलाह दी गई है। कुछ लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, आपको नीचे खींचेंगे। सीधा सीधा बोला गया है कि आप देखिए दूसरों के कंट्रोल में आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत भोला होता है। अगर आप दूसरों के एडवाइस को लेते हैं, अगर किसी ने बोल दिया आपने उसको सीरियसली ले लिया, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गई और आपका जीवन भी वैसे ही हो गया। ये चीजें बस आपको कंट्रोल करने के लिए होती है। बेस्ट क्या है, अगर कोई कुछ बोल रहा है आपके लिए, गलत बोल रहा है, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में उतार क्यों रहे हो?
याद रखना कि अगर आपने उसकी एडवाइस ले ली या उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए, कोई गलत बोल रहा है तो फिर नेगेटिव ही होंगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। बेस्ट यही है, आप नेगेटिविटी को काटो पॉजिटिव एफर्मेशन से। कोई अगर कुछ बोल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपको बहुत खुश रखे, आप बहुत खुश रहोगे, आपने मेरे लिए ऐसा बोला ना, थैंक यू सो मच, आप लेकिन देख रहे कितना खुश रहोगे, बस वो अलग है तुम अलग हो, वो अलग आत्मा है तुम अलग आत्मा हो, बिल्कुल अलग हो जाओ, दैट्स इट। यही तक ही हमारा था, उसके कहने से कुछ नहीं होगा, इसको अपने मन में घुसने ही मत दो, अपने सब कॉन्शियस माइंड में घुसने ही मत दो, और फिर देखो आपका कितना बढ़िया होता है। यहां पे एक और स्टोरी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एक ज्योतिष विद्या में हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, आप अपनी किस्मत खुद ही लिखते हो, अच्छी बात है, बिलीव करना चाहिए, लेकिन एक ज्योतिष ने क्या बोला कि भाई एक आदमी आया और बोला कि अगले साल तुम हार्ट अटैक से मर जाओगे। अब ये उसके मन में घर कर गई बात, अब हुआ क्या कि ये लगातार सोचने से हुआ क्या, उसने विल सब लिख दी अपने बच्चों के खिलाफ, वो अगले साल मर गया हार्ट अटैक से। और वही आप मर्फी का एग्जांपल लीजिए, इन्होंने अपने कैंसर को ठीक कर लिया, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि बीमारी तो पहले आपके दिमाग में ही जन्म लेती है ना, पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही जन्म लेती है, उसके बाद ही पूरी बॉडी में फैलती है। तो आप इसको यूज करके आप किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो। बहुत सारे से डॉक्टर्स के एग्जांपल दिए हैं यहां पे कि डॉक्टर्स ने कितने लोगों को ठीक कर दिया। कई पेशेंट्स आते थे डॉक्टर्स के पास, कुछ फ्रांस के डॉक्टर्स के एग्जांपल देखिए, कोई एक डॉक्टर था, वही है, मैं भूल गया अभी, मैं देख लूंगा। तो उसने बोला, वो खाली ये बोलता था कि भाई देखो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी दिमाग की वजह से है, और लोगों ने मानना शुरू कर दिया, लोगों ने इस विश्वास करना शुरू कर दिया, और इस विश्वास ने ही उनको ठीक कर दिया, समझे आप। तो ये चीज है। अच्छा, अगर आप गलत रास्ते पे चले गए हैं, अगर आपकी जिंदगी बहुत बेकार झंड हो गई है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? कुछ नहीं करना है आपको, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करना, ठीक करो, इसको कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट। आपको उस मेडिटेटिव स्टेट पे जाना है। अब मेडिटेटिव स्टेट पे हम सोते समय होते हैं, तो सोने से पहले आप अच्छी चीजें रिपीट करो, और जब सुबह उठो तो आप अच्छी चीजें रिपीट करो, ताकि आपका दिन अच्छा जाए, कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, या सब कॉन्शियस माइंड, भगवान में आप नहीं मानते हो तो मत, यही यहां भगवान इज नॉट, समझिए चीज क्या है, यहां पे एक फोर्स की बात की जा रही है, कैसी एनर्जी की बात की जा रही है जो आपके पास है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं ना, ये बहुत लोगों ने इसका यूज करके, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट ने इसका यूज करके, इसका प्रमाण है ये सब, इट इज वेरीफाइड, कहां से कहां पहुंच गए। तो आप ये समझिए कि सोते समय आप जो भी आपने बुरा नेगेटिव चल रहा है, आप उसको हटा दो। जैसे आप ये समझो कि आपके सबकॉन्शियस में एकदम आपने कचरा भर दिया है, तो आप उसको खाली करो ना, एक एक चीज सामान हटाओ, ऐसे फेंको बाहर, लगातार अपर ग्राम को बोलो, अब नहीं ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच भगवान, मेरे दो हाथ है, मेरे दो पैर है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे क्या है कि आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, है ना। इंस्टेंट मांगने से अच्छा है आप देना शुरू करो। अब देना मतलब पैसे वैसे नहीं, दुआएं दो सबको, थैंक यू बोलो। अब इसमें यह भी नहीं कि बेवकूफ बन जाओ, बेवकूफ नहीं बनना है आपको, यू डोंट हैव टू बी अ बिग फूल, बेवकूफ मत बनिए, लेकिन यस, दुआ तो आप दे ही सकते हो, सबके लिए अच्छा तो प्रे कर ही सकते हो। नेगेटिव है उससे दूर रहो, उससे मत बात करो अगर आपको नेगेटिव है, और उसको भी दुआ दो कि भाई बहुत अच्छी बात है। इससे, इस ग्रेटिट्यूड से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, आप समझ रहे हो। यही चीज, अच्छी अच्छी चीज तो आप अपने अंदर, आप इस बगीचे में अब एक बहुत शानदार चीजें उगा रहे हो। अभी ये बंजर जमीन थी, सिर्फ यहां पे कांटे उग रहे थे, अब हम कांटों को साफ करके आपने नई फसल उगा दी, समझे आप। रॉबर्ट मर्फी खुद बताते हैं कि मैं बहुत डरता था, मैं स्टेज पे जाने में बहुत डरता था, मुझे नर्वसनेस होती थी, लेकिन मैं हमेशा ये इमेजिन करता था कि सब कुछ अच्छा है, सारे जो लोग बैठे हुए हैं सब तालियां बजा रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं, और यही होता था, एग्जैक्ट यही होता था, सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे, दे वर ऑल वेरी हैप्पी, अप्लॉज। ये चीज है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि देखिए, ये आप याद रखिएगा, ये जादू है, और जादू होगा अगर आप इस जादू को होने देंगे। ये जादू कैसे होगा, दूसरों को कंट्रोल ना करने दे। वही चीज है कि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ बोल रहा है, आपने उसको सबकॉन्शियसली बैठा लिया, अब जब आप उसको सब कॉन्शियसली बैठाओगे तो वही भाई अवचेतन मन बड़ा भोला भाला, वो उसी चीज को इंप्लीमेंट करेगा और वही चीज आपकी तरफ आएगी, आप समझ रहे हो। यहां पे एक बच्चे का एग्जांपल देते, एक बच्चा था यहां पे,
एक बच्चा था, उसको सब बहुत कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो वाकई में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसने, अब देखिए, अपने मन को ये समझाना शुरू किया, अपने सब कॉन्शियस माइंड में उसने डालना शुरू किया, सिर्फ अपने आप को आपको मोटिवेट करना है, दैट्स इट। अपने सब कॉन्शियस माइंड में उसने ये डालना शुरू किया कि भाई सब कुछ बढ़िया है, मेरे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं और मेरे ग्रेड्स आ चुके हैं, मस्त ग्रेड्स आ चुके हैं। और बिलीव मानिए, उसके ग्रेड्स अच्छे आए और उसने बहुत अच्छा काम किया। हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हम क्यों नीचे जाते हैं? यहां पे सक्सेस और वेल्थ की भी बात की गई है। आप अपने को बोलिए कि हम वेल्दी है। सेक्स देखिए, हमारा दिमाग भी हमारे साथ खेल खेलता है ना। जो बिग मी है ना, वही जो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अगर आप अपने बिग मी सब उसको पता है, ठीक है, मोह माया से लिप्त है वो, लेकिन कॉन्शियस, सब कॉन्शियस भगवान है, वो आपके अंदर की सबसे जबरदस्त पावर है, वो यहां पे खड़ा होगा। अब आपने बोला कि भाई देखो, मैं तो सबसे बढ़िया हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं इस दुनिया में अच्छा करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, बढ़िया काम करूंगा, तुरंत बिग मी बोलेगा तुमसे कुछ ना हो पाएगा, भूल गए क्या कहा था उस इंसान ने तुमको, भूल गए? तो आप तुरंत परेशान हो जाएंगे और फिर उसमें डूब जाएंगे। यही चीज तो आपको नहीं करनी है ना। डू नॉट लेट अदर्स कंट्रोल यू। याद रखिएगा, जो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपके लिए बुरा बोल रहा है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। अरे तुम तो, कुछ लोग बड़ी टैक्टिक्स यूज करते हैं, उसने वो खुद कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो, इसीलिए वो आपको रोक रहा है। सो डू नॉट लेट अदर कंट्रोल्स यू। इसका बहुत एक अच्छा तरीका है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफी देना इज द बिगेस्ट बून। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप माफ कर दो। आपने अगर कुछ किसी के लिए गलत किया है या कुछ ऐसी गलती हुई, आप अपने आप को भी माफ कर दो। जिस दिन आप माफ करोगे ना, क्योंकि देखिए, अगर आप माफ नहीं करोगे तो होता क्या है, ये एक चेंज शुरू हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड। तो यहां पे ऑथर बोलते हैं कि माफी भी इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। ये चेन फिर क्या है ना, कि आप भूल ही नहीं पाओगे, आप लगातार उसको याद करोगे, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता रहेगा, यार मैंने तो ये, मेरा रिलेशनशिप इतना खराब है, उसने मेरे साथ ये किया। तो इससे होगा क्या ना, वही नेगेटिव चीज आपके दिमाग में आती रहेगी और आपके साथ हमेशा गलत होता रहेगा। तो बेस्ट क्या है, इसको यहीं पे ही खत्म कर दो, इस चेन को यहीं पे ही रोक दो। और जैसे ही तुमने इस चेन को यहां पे रोकी, तो अब ये पूरा साफ हो गया है, मेमोरी इरेज्ड, और अब फिर अच्छी अच्छी बातें शुरू करो। तो फॉरगिव जो है, फॉरगिव, जब आप भुलाते हो किसी, मतलब जब आप किसी को माफ करते हो ना, तो एक तो संतुष्टि, बहुत ही पीस मिलता है, पीस विद इन, बड़ा अच्छा लगता है। एंड देन देयर इज न्यू बिगिनिंग। वरना तो वही चीज है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, एक रिलेशनशिप बहुत खराब रहा, वो इंसान आया, उसने आपसे माफी मांगी और आपने उसको माफ नहीं किया, बदला लूंगा मैं, तो बदला लूंगी, रिलेशनशिप में बहुत होता है, मैं तो बदला लूंगा या बदला लूंगी उसके साथ, मैं उसको सबक सिखाऊंगी, उससे क्या हो रहा है, आप खुद परेशान हो रहे हो। कभी आपने सोचा है, आप सब कॉन्शियसली अपने आप को बीमार करते जा रहे हो, उससे कुछ होने ही नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, आप अमीर पैसे से नहीं बनते हो, आप अमीर अपने सब कॉन्शियस माइंड से बनते हो। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बोला कि मेरे अगले 2 सालों में मेरे पास ये रहेगा, सबने बोला कुछ नहीं होगा, है मेरे पास, क्योंकि मैंने उस ड्रीम पे बिलीव किया, मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को लगातार याद दिलाया कि भाई तुमको ये करना है, और वो उस काम में लग गया। गुस्सा दिलाने तो बहुत आसान है, ऑथर बोलते हैं गुस्सा क्या होता है, किसी ने कुछ बोला आपका सब कॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिवेट हुआ, आप रिएक्शन दोगे और देन आप फट पड़ोगे, सब कबाड़ा हो गया। तो बेस्ट ये चीज है कि उसको यहीं से मोड़ दो ना, यहां से वो चीज आ रही, यहां से हटा दो, वापस उसके पास फेंक दो। ये कैसे करोगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स इट। और उसके बाद बहुत सारी कहानियां इसमें बताई गई है, बहुत सारी कहानियां, ठीक है, कि कैसे डॉक्टर्स ने इसी सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हुए पेशेंट्स को हील किया। मतलब आप समझिए कि ऐसे ऐसे केसेस थे जो खत्म हो चुके थे, जैसे एक गोली, एक डॉक्टर की बात बताते कि वो एक इंजेक्शन या गोली देते थे, वो पेशेंट को बोलते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बल्कि उसमें कुछ नहीं होता था, वो सही हो गया। आप समझ रहे हो, जीसस क्राइस्ट की स्टोरी बताई कि किस तरीके से नेत्रहीन, यहां पे सिंगर्स की स्टोरी बताई है कि जो गायक थे, वो कुछ ऐसे गायक थे जो बहुत ही परेशान रहते थे कि आज मेरा कंसर्ट है, लेकिन वो लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते रहते थे सब सही है, सब अच्छा होगा, और जैसा वो बोलते थे वैसा ही होता था, समझ रहे हो। बाकी कुछ स्टोरीज अभी मैं मैरिज और जब उसके बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, अपनी भी स्टोरीज उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्लूड की हुई है, ढेर सारी स्टोरीज, कुछ नेगेटिव स्टोरीज भी है, मतलब वही है कि जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया वैसे ही होता है। देन बहुत ज्यादा फेथ एंड प्रेयर्स, प्रेयर्स भी एक तरीके का जरिया है, आप अपने दिमाग, विश्वास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है, बताते हैं कि फेथ इज अ वेपन, विश्वास से ही आप चीजें कर लोगे, है ना,
तो आप ये समझिए कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बता रहे हो कि मुझे वो चीज करनी है, मुझे वो चीज करनी है। लेकिन प्रार्थना बड़ी प्योर होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहो, बेस्ट ये है कि अच्छा चाहो। यहां बोलते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो आप उसे जलो नहीं, ऑथर का कहना है, किताब में लिखा है, आप उसे जलो नहीं बल्कि उसको दुआ दो। अगर आप एक समय पे कुछ नहीं कर पा रहे हो और दूसरा इंसान बहुत आगे बढ़ गया है तो उसको दुआ दो, उसके लिए अच्छा फील करो, तो रिटर्न आपके पास और ज्यादा आएगा। लेकिन जहां आप उसके नफरत करोगे, उससे घृणा करोगे, ईर्ष्या करोगे पूरी दुनिया से, तो वो नहीं होगा, फिर आप नीचे ही जाओगे, आप और ज्यादा नेगेटिव होते जाओगे। विश्वास कमाल का होता है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। यहां पे वर्ल्ड वॉर टू की एक कहानी बताते हैं कि एक भाई एक अमेरिकन थे, अरे यार ये बार बार क्यों आ जाता है, ठीक है, तो एक अमेरिकन थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद उनको मतलब वो पकड़ लिए गए थे, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही जर्मनी में उनको पकड़ लिया गया, ठीक है। अब देखिए वो हर तरफ मौत देख रहे थे, हर तरफ मौत, कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके इन्होंने ये बोला सब कुछ बढ़िया है, और ये इमेजिन करने लगे कि भाई मैं तो लॉस एंजलिस में जाऊंगा, लगातार इमेजिन करने लगे, बल्कि सोचे कि कितना मुश्किल होता होगा। एक दिन क्या हुआ कि भाई जो सैनिक है, भाई सोल्जर जैसे लाइन में खड़े हुए थे, इनका 17वां नंबर था, 16 तक वो आया और ये 17वें नंबर पे, वहीं पे उसने किसी ने उसको बुला लिया और उसके बाद काउंटिंग नहीं हो पाई, ये नजर बचा के भाग गए। फिर भागते भागते पोलैंड पहुंचे, फिर पोलैंड में इनकी मुलाकात हुई एक अमेरिकन फैमिली से जो वही रहती थी जहां पे इन्होंने इमेजिन किया था, और ये वहां पे निकल गए फिर, और उसके बाद जैसा इन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ, वैसे ही जीवन हुआ। कहने का मतलब यही है कि इसी विश्वास और इसी प्रेयर्स और इसी बिलीफ सिस्टम की वजह से, इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा, मदद आ जाएगी कहीं ना कहीं से। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मदद आएगी ही आएगी, वो उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वही चीज है ना कि हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, जो सबकॉन्शियस का ब्रेन है वो काम करता है, वो लगातार काम करेगा, चीजों को असली में बदलने में लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी तो निकलती है ना, तो जो चीजें तुमने बोली वो उसको सच करने में लग जाता है तुरंत, समझे आप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी इनोसेंट। आप जैसा बोलोगे, आपने बोला ऐसे बैठ जाओ, ये वैसे करेगा, ए ये करो गलत करो। चोरी को यहां पे बहुत बहुत गलत बताते हैं कि जो लोग खराब काम करते हैं, जो लोग हत्या करते हैं, वो मर चुके होते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो चुका होता है। ऐसे लोगों को हील करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पे एक चोर की कहानी बताते हैं, लंदन में एक चोर था और वो बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, मतलब उसने चोरी वोरी करके खूब पैसा कमा लिया, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था, वो हमेशा अमीर कौन है, यहां पे ऑथर ये भी बताता है अमीर वही है जो हेल्दी रहे, अंदर से हेल्दी रहे, तो हमेशा परेशान रहता था। और एक दिन उसकी सारी संपत्ति बस्ट हो गई, वो जेल गया, लेकिन जब जेल से वापस आया तो उसने नई शुरुआत की और अब वो बहुत खुश है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहां पे कुछ चीजें बताई हैं कि जैसे शादी, अगर आपको अच्छी शादी करनी है तो आप इसके अफर्मेशन डालिए। याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं चीजें हो आपके हिसाब से, आप वाकई में चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिले, आपको गरीब नहीं रहना है, तो आपको वैसे अफर्मेशंस और वैसी इमेजिनेशन करनी होगी। किताब में तो यह लिखा है कि अगर जैसे शादी की बात करते हैं, अब शादी है, अब शादी आपको बढ़िया करनी है, तो अगर आप लगातार बोलेंगे कि अब भाई शादी मेरी सही नहीं, मैं उसको डिजर्व नहीं करता, ये वो, तो आपके साथ वैसे ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पर बताए हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने ये बोला कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मेरे हिसाब का हो, मेरे टाइप का हो, पॉजिटिवली बोले, उनको वैसे ही हस्बैंड मिला। एंड सेम गोज फॉर मेंस आल्सो। तो आप इसके लिए बोल सकते हैं कि भगवान मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आगे वाला जीवन जो है वो बहुत बढ़िया रहे, मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे से हो, बहुत ही अच्छे लड़के से या लड़की से हो, वो ऐसा हो। देखिए मेरी कोई ऐसी तो चॉइस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, और भगवान हर किसी का भला करे। ग्रेटिट्यूड रखें आप अपने आप, मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस बोले, मैरिज के अफर्मेशंस जैसा चाहिए वो अफर्मेशंस भी बोल के आप अपने जीवन साथी को पा सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड। याद रखिएगा, आपके लिए हर कोई है, वो आपका इंतजार कर रहा है, और यही माइंड, ये जैसे प्रोफेसर जेवियर्स ने चार्ल्स जेवियर्स एक्समैन में ढूंढते थे, यही माइंड आपको ढूंढेगा। आपने जैसे योगानंदा परमहंसा की मैंने बायोग्राफी जब पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें वो ढूंढते थे ध्यान से। गुरु जो है ना अपने शिष्य को ढूंढता है थ्रू सबकॉन्शियस माइंड।
तो यही चीज है कि आप अपने आप जिसको भी चाहे उसको पा सकते हैं, बशर्ते आपको ये बहुत ही पॉजिटिव खेल खेलना पड़ेगा कि मेरी शादी भगवान करे, मतलब मैं चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा हो, मेरे मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिससे मैं खुश रहूं, लोगों को भी खुश कर सकूं, समाज के लिए अच्छा कर सकूं, बहुत ही सपोर्टिव एक अच्छा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं यार मैं तो चाहता हूं या चाहती हूं कि मुझे बहुत पैसे वाला मिले, क्योंकि देखिए औरतों को सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो अब यहां पे गड़बड़ शुरू होती है। वो बोलेंगे मुझे पैसे वाला चाहिए, मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए, मुझे हैंडसम हंक चाहिए, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चीज है, वो कभी नहीं होगा। ये चीजें आपको क्लीन करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। देन पैसा, यहां पे बताया है कि जो पैसा होता है ना, पैसे जो गरीबी होती है ना वो दिमागी देन है, गरीब आप दिमाग से होते हो। अगर आपने अपने आप को दिमागी गरीब मान लिया है, आप दिमाग से ही गरीब हो, तो आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। यही रीजन है कि बहुत सारे पैसे वाले लोग भिकमंगे हो जाते हैं, और यही रीजन है कि बहुत गरीब लोग भी बहुत ऊपर चले जाते हैं, है ना। लेकिन ये दिमाग से ही होती है। लगातार आप बोलोगे कि पैसा पैसा, हमेशा पैसा की कामना करोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। आप जितना पैसे की कामना करोगे, जितना ज्यादा पैसा आ जाए, और जितना इसको खोने का डर रहेगा वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। बशर्ते आप पैसे की कामना करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तरीके से करो कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास तो पैसा है और जब मुझे जरूरत होगी पैसा आ जाएगा, और आ जाता है। गांधी जी का ये किताब में नहीं, गांधी जी का एग्जांपल देना चाहूंगा। जब साबरमती आश्रम के चलाने के उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनका सब कॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग था कि उनको आके कोई पैसे दे गया और वो इंसान कभी मिला भी नहीं, मदद आ जाएगी। तो आपको दिमागी रूप से अमीर होना है कि मुझे इस पैसे को बनाने के लिए मेहनत करनी है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से मेहनत, एफर्मेशन सही है, अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा हूं और मेरे पास तो पैसा है, मैं ऑलरेडी अमीर हूं, क्या दिक्कत है भाई। यही आपकी वेल्थ है, पैर आपकी वेल्थ है, आंख आपकी वेल्थ है, जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। इसी में ही आप खुश रह सकते हो। खुशी जी, यहां पे ऑथर बोलते हैं कि खुशी ढूंढने का कोई बहाना नहीं होता। आप समझिए कि जो लोग दुखी रहेंगे ना, जैसे मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, वो बताते हैं सर एक बार मुझे जॉब मिल जाए, मैं देखिए क्या क्या करता हूं, अभी तो मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता, अभी तो समझ, एक बार मुझे जॉब मिल जाए फिर मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं होगी तुम्हारी अच्छी, तुमको कुछ भी मिल जाएगा तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे। उसका रीजन ये है कि तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मैं बीमार रहूंगा, है ना, मुझे मैं क्योंकि अभी भी मैं खुश नहीं हूं, अभी मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा है। जब तुमको नौकरी मिलेगी तो कोई और प्रॉब्लम करेगा। तो बेस्ट क्या है, लेट इट गो। बेस्ट यही है कि तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे पास क्या क्या खुश रहने की वजह है, तुम ये सोचो। तो पैसा, इफ यू वॉन्ट मनी, तो आपको दिमाग से गरीब नहीं होना है, खुशी आपको अंदर से जगानी है, समझ रहे हो। कि लगातार पैसा खोने का डर वो आपको नीचे ले आएगा। देन प्रॉपर्टी, अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, मतलब सेल बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, तो वो इमेजिन करो, वो भी इमेजिन करो कि मुझे मेरा मन चाहा घर मिले, मुझे सबसे अच्छा घर मिले, मैं उस घर में जाऊं। इमेजिन करो, घर बना लो एकदम, किस एरिया में चाहिए, यकीन मानिए ऐसे ये काम करेगा। जैसे यहां पे जो ऑथर है वो अपना घर बेचना चाह रहे थे, ही वांटेड टू सेल द हाउस। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने यही एफर्मेशंस लगातार दोहराने शुरू कर दिया, और 2 महीने के अंदर अंदर इनका घर बिक गया। ऐसा कभी कभी तो आपको वही किराएदार, वही बायर मिल जाता है, और उतने ही पैसे मिल जाते हैं जो आप चाहते हो। टैलेंट, भाई साइंटिस्ट की यहां पे बात की गई है कि बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे मार्क ट्वेन को, भाई जो पोएट्री थे वो ये देते थे, इनके सपने में इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको बताता था। सबकॉन्शियस माइंड ही तो भगवान है, वो डायरेक्ट करता कि आपको करना क्या है। रामानुजन को भगवान बताते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन का भी दिमाग इसी तरीके का चलता था कि सपने में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने रात में बस एक बोल दिया कि देखिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए एक दिन में नहीं होगा, ये लगातार प्रैक्टिस करने से होगा, तभी तो मेडिटेटिव स्टेट इज अ वेरी पावरफुल थिंग, है ना। आप ऐसे सोना आपको जरूरी है, और जब आप सोने जाए तो उससे पहले आप बोले, तब एफर्मेशन बहुत काम करते हैं। अगर आप लगातार पॉजिटिव, बहुत अच्छा हुआ लेकिन ये प्रॉब्लम है, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, स्मॉल भी मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है, जब आप लगातार जोड़ दोगे ना तो अपने आप आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स भी हम ही क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशंस भी हम ही निकालेंगे, समझ रहे हो। यहां पे क्या नहीं करना चाहिए, एक तो गलत नहीं बोलना है और ईर्ष्या नहीं करनी है। जहां पे आप गलत बोलना शुरू करते हैं और ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, वहां से आपके पास समृद्धि चली जाएगी। जो चीज आपको बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से चाहिए, उसको इमेजिन करो, ठीक है, वो समझो वो आपको मिल चुके, खुशी इमेजिन करो। वो जब होती है एकदम बच्चों वाली खुशी,
बच्चे जैसे वैसे इमेजिन करो, लेकिन अगर उसके लिए आप गलत चीजें इमेजिन करोगे या अपने सब कॉन्शियस माइंड को गलत चीजें दोगे ना, तो फिर वो आपको गलत ही देगा। तो किसी के बारे में बुरा मत बोलो। अगर कोई अमीर हो रहा है तो उसको भी दुआ दो। कोई तुम्हारे अगर मुश्किल होता है ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर जैसे अब मान लीजिए परिवार में किसी ना के साथ बुरा कर वो आगे बढ़ गया, उसको भी दुआ दो, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ यार। और ये दिल से दुआ देना, ऐसे ऊपर से दुआ। भाई देखो, जो दुखी हो ना तुम, वो अपनी ही वजह से हो। तुम वाकई में देखो क्या वाकई में तुम्हारे अंदर से आ रहा है वो, मतलब तुम्हारे जीवन में जो जितने भी दुख है ना, वो तुम्ही ने तो क्रिएट है। अंदर झांक के देखो क्या वाकई में मैं उतना पॉजिटिव हूं। नहीं होगी, डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज होंगी। कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करो, नेवर एवर क्रिटिसाइज। यहां पे ऑथर बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को जन्म देता है, एंड यस नेवर बी नेगेटिव। तो ये कुछ लेसन जो है वो ऑथर बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, अच्छा ये तो ठीक है, तो दूसरी चीज आ गई, ठीक है। मैं बस आपका दो मिनट लूंगा, मैं एक बार ये देख लेता हूं अपने नोट्स को, एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि कहीं कुछ मैं भूल तो नहीं गया। मैं एक मिनट में आया। आई गेस मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर ही दी है। कुछ एक आध चीजें मिस हुई है दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें स्टोरीज बहुत ज्यादा है, अब इतनी सारी स्टोरीज है कि कुछ तो मैं भी भूल गया हूं और कुछ मैं नोट करना भूल गया था। ये किताब मैंने, मतलब मेरे पास है ये वैसे, और ये किताब पहली थी जो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो आप यही समझो कि मतलब इसमें मेन सीख है ये कि सब कॉन्शियस को भगवान बताया है, आप जो भी उसको बोलोगे। हाँ एक चीज और है कि अपने माइंड को कभी कंफ्यूज मत करो, डू नॉट कंफ्यूज योर माइंड। याद रखना कि आपका गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड जो आप चाहते हो आपको वही उसको बोलना है। अगर आप एक दिन कुछ चाह रहे हो, अगले दिन कुछ चाह रहे हो, ये वो, तो इससे ना फिर आपका जो सब कॉन्शियस माइंड वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कहना क्या चाहते हो, है ना। तो आपको अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, और यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, योर लाइफ विल चेंज। तो आज से आपको करना क्या, सबसे पहले तो बढ़िया एफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचिए। ये सब वही चीजें हैं जो, मतलब ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अच्छा बोलिए सबके लिए, बुरा नहीं बोलिए, एफर्मेशंस दीजिए, सोते समय एफर्मेशंस, सुबह एफर्मेशंस, सफलता को इमेजिन करिए, और यकीन मानिए चीजें बदलेंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।